Yeah, good afternoon. So now start करते बड़े अपन लोग एनपीओ के बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे और एनपीओ के अंदर हमने चर्चा आपके साथ की थी रिगार्डिंग किसके लिए. कल हमने कुछ बात किया था एनपीओ अपने यहाँ पे क्या क्या बनाती है बेटा. अपने यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड क्या बनाती है बेटा बोलो, एंड बैलेंस शीट. यहां पे सिर्फ क्या रिकॉर्ड होते हैं बेटा, कैश ट्रांजैक्शन. यहां पे कैश और नॉन कैश दोनों रिकॉर्ड होंगे बेटा. बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ रिलेटेड अकाउंटिंग ईयर से ही रिलेटेड होना चाहिए. चाहे इनका आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. इसी के साथ साथ हम आप लोगों से बात करेंगे बेटा, यहाँ जो आइटम आएंगे वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम ही आते हैं, कोई और नहीं आते हैं. थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, ये बैलेंस शीट की बात तो नॉर्मल जो हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था वैसे बैलेंस शीट यहाँ बनती है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बेटा कैश ट्रांजेक्शन आएंगे, ध्यान समझना. प्लस ये कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू के, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? नाउ तो नाउ ना जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था बड़े ध्यान से आप लोग समझना. कल हमने सैलरी के बारे में चर्चा आपके साथ की थी कि सैलरी का एग्जाम्पल हमने लिया था, उसके बिहाफ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ, सैलरी को ही मैं आगे बात करूंगा बेटा, कैसे कैसे क्या क्या होगा. तो एक थीम समझ में आनी चाहिए, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता. तो कल जैसा कि हमने एग्जाम्पल आपके साथ लिए थे, एक एग्जाम्पल को बड़ा ध्यान समझना, एग्जाम्पल कोई सा भी हो सकता है, ध्यान समझना. पहले मैं एक्सपेंसेस के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, फिर इनकम का एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे, फिर हम आप लोगों से यहाँ पे हम बात करेंगे. तो से एग्जाम्पल कल का ही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं. सैलरी है बेटा 20,000 रुपीज पर मंथ, ध्यान समझना. और अकाउंटिंग पीरियड आपका कितने महीने का होगा बेटा? 12 मंथ का आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा. 12 मंथ का क्या होगा बेटा? आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा, लिख देता हूं, ध्यान रखना बेटा. 12 मंथ का आपका क्या है बेटा? अकाउंटिंग पीरियड है. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, कितना पेमेंट किया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कितना आउटस्टैंडिंग है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. तो वी विल अज्यूम दैट जितना खर्चा इस साल ड्यू हुआ उतना पेमेंट हो चुका होगा. तो पेमेंट हो चुका होगा मतलब ये ट्रांजेक्शन का एक कैश में गया होगा, ये आपका एक्सपेंसिस भी है. कैश में जितना गया वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. जितना खर्चा इस ईयर से रिलेटेड है बेटा, वो खर्चा आपका कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो ये चीज बड़े ध्यान से आप लोग समझना. अब कैश एक्सपेंसेस हैं, बट ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? 2,40,000 रुपीज है बेटा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में भी जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगा. जब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करेंगे तो वहां पे क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट साइड में जाएगा. क्या बात सभी को समझ में अच्छे से आई? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि पेमेंट हुआ, जैसा कि मैं आपसे बात करता हूँ, हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में. आप उसे यहाँ बात करेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात की बेटा हमने, और यही हमने किस बात की बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हमने बात की. तो बात करूंगा तो पेमेंट जाएगा तो इधर, पेमेंट आएगा इधर, एक्सपेंस है तो इधर, इनकम है तो इधर. तो ये सैलरी हम जो पे कर रहे हैं एक्सपेंसेज है या आप सैलरी कर रहे हो तो आपके लिए खर्चा है या इनकम? एक्सपेंसेस. तो बट ऑब्वियसली बात, हेलो 2,40,000 और यहाँ पे आपके पास आएगा 2,40,000. क्या समझ में आया? यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. अब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग समझना. क्वेश्चन ये बोलता है, इसमें कुछ हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1, क्वेश्चन ये बोलता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी.
पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। बिग इवन है कितने रुपए का बेटा आपके पास, 60,000 का और 85,000 का। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछेगा कितना अमाउंट, ध्यान समझना, क्वेश्चन हमेशा हर क्वेश्चन में मैं दो चीज पूछूंगा, कितना अमाउंट आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा और कितना अमाउंट कहां जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले सोचना होगा बेटा जितना पैसा हमने कैश में दिया वो कहां जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जितना खर्चा इस अकाउंटिंग पीरियड का है वो कहां जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा एक बात बोलना चाहता हूँ, 20,000 रुपीज पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12, साल भर का खर्चा कितना है 2,40,000, इसका पेमेंट हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो पूरा का पूरा 240 जाएगा, हाँ या ना। अब कैश में कितना जाएगा, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, जितना हमने पैसा पे किया होगा, अगर हमने पैसा पे नहीं किया तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, चाहे पेमेंट किया हो या नहीं किया हो इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो समझना मेरी बात, अब तो कॉमन सेंस लगाओ, ध्यान से देखो बेटा 2,40,000 रुपीज इस साल का खर्चा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कितना अमाउंट कैश में दिया, आई मीन कितना अमाउंट कहां जाएगा रिसीव पेमेंट अकाउंट में, तो थीम समझना इस बात को बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में बेटा। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, 2,40,000 रुपीज का आपका पूरा साल का खर्चा है, अरे हाँ है ना, इसमें से कितनी सैलरी का आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया, 85,000, तभी तो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जितना पैसा पे करना बाकी है, जितना पैसा आपने अभी तक पे नहीं किया, इसके बारे में आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आपने कितना पैसा पे नहीं किया बेटा, 85, दैट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि 240 में से 85 तो आपने पेमेंट नहीं किया। रेक्टिफिकेशन ही क्लोजिंग है तो हम लेस करेंगे, ओपनिंग है तो हम ऐड करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्या मुझे भी नहीं पता क्या है। देख तो मुझे बताओ आपने कितना पैसा पे नहीं किया, 85 अभी तक आपने पैसा पे नहीं किया, तो मतलब देखा जाए तो हम इतना पे कर चुके हैं, 1,55,000 हम पे कर चुके होंगे बेटा। तो बट ऑब्वियसली बात 240 इस साल का है पिछले साल का है, 250 किस साल का है, इस साल का है पिछले साल का, इस साल का। तो इस 240 में से 85 इस साल का हमने पे नहीं किया तो कितना हमने पे कर दिया, 1,55,000 इस साल का हमने पे कर दिया, और 155 इस साल का हमने पे कर दिया, तो जब इस साल का पेमेंट किया होगा तो बट ऑब्वियसली बात पहले पुराना भी हमने चुकाया किया होगा, पुराना कितना है बेटा आपके पास 60, तो ये भी तो दिया होगा या नहीं दिया होगा, क्योंकि हमने इस साल की सैलरी का पेमेंट किया होगा तो इससे पहले पुरानी सैलरी का पेमेंट चुकाया, और फिर हमने इस साल की सैलरी पे, दैट मींस कुल मिलाकर कितना आया, 2,15,000 रुपीज का आपका पेमेंट आएगा। ये कॉमन सेंस है बेटा, फिर रेक्टिफिकेशन करना है वो चीजें अलग से। रेक्टिफिकेशन करने की बात करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे ये आइटम्स में ऐड होते हैं, इसमें लेस होते हैं, सो एंड सो, तो वो तरीका भी है, पर वो तरीका मैं कभी भी आपको आउट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। आर गेटिंग माई पॉइंट्स, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना बेटा, क्या समझ में आया बेटा? अब एक तरीका मैं आपको बोलता हूं, बहुत सिंपल सा फंडा, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए एक प्रकार से लायबिलिटी है या असेट्स है? ये लायबिलिटी ओपनिंग है या क्लोजिंग? क्या ये क्लोजिंग आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या ये भी आपकी लायबिलिटी है? तो कौन सी लायबिलिटी है, क्लोजिंग है या ओपनिंग? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, मैंने क्या बोला कि आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पैसा पे करना बाकी है, तो ये आपकी लायबिलिटी है या आपकी असेट्स? कहां ध्यान है? हाँ, कहीं नहीं है, यहां तो है ना, हाँ ठीक है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या बेटा, लायबिलिटी है या असेट्स, ओपनिंग है या क्लोजिंग?
क्योंकि बट ऑफिस लिखा तो ओपनिंग, तो ओपनिंग लाइबिलिटी बनेगी, इसमें कुछ है ही नहीं खास, क्यों रिज्यू? क्लियर? नाउ बड़ा ध्यान से आप समझता, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये भी लाइबिलिटी है, क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, क्रेडिट बैलेंस, नॉट डेबिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आओ हम अकाउंट बनाते हैं। ये बनाया हमने एक मिनट के लिए सैलरी अकाउंट। क्या बनाया हमने बेटा? हमने सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट है तो बेटा, ये सैलरी अकाउंट बनाया तो बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका लाइबिलिटी है या एसेट्स? तो बेटा बाई बैलेंस बीडी। बेटा बोलो कितने रुपए से बेटा? 60,000 रुपीज से। बोलो तो क्लोजिंग बैलेंस सीडी कितने रुपए से बेटा? 85,000। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपने 2,40,000 के बारे में जब हम आप लोगों से बात करें, 2,40,000 आपने क्या किया बेटा? खर्चा आपका है। बोलो हाँ है ना? 2,40,000 आपका क्या बेटा? आपका खर्चा है। तो बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, नहीं सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा बेटा? प्लीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 2,40,000। तो बेटा वहां पे डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा? तो वहां डेबिट, तो यहां कर दो इसको क्या बेटा? क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से कितना बेटा? 2,40,000 रुपीज। यहां कितना आ रहा है बेटा? 85,000। हमें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कितना हमने पैसा पे किया है, कितना क्या है, सीधी सी बात। आपके पास ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये निकल जाएगा। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये निकल जाएगा। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये निकल जाएगा। बात खत्म। आपको लॉजिकल बताना चाहिए कोई चीज क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अरे यार, क्या सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, समझना अगला क्वेश्चन, बड़ा ध्यान समझना। ये सभी को समझ में आया ना अच्छे से बेटा? ये मैंने यहाँ पे क्रेडिट कहाँ से किया समझ में आया? कहाँ से किया? क्योंकि रिसीप्ट्स, आई एम सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताओ, सैलरी डेबिट होती है क्रेडिट होती है? खर्चा है तो जब वहाँ डेबिट होगा। अरे हाँ है ना? अरे ये देखो ना, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे सारी क्या आती है? इनकम आती है। यहाँ पे सारे क्या आएंगे? इनकम मत बोलना, रिसिप्ट आएगा। यहाँ पे सारे क्या आएंगे बेटा? पेमेंट आएगा। तो बेटा ऑब्वियस सी बात, आपने पेमेंट किया होगा सैलरी का, कितना किया? 2,15,000। तो 2,15,000 यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डेबिट आया, डेबिट अपने आप। या यहाँ डेबिट हो रहा है तो वहां पे क्या होगा बेटा आपके लिए? क्रेडिट। अरे यार, बहुत सिंपल चीज है, आपको लॉजिकल पता होना चाहिए। बड़ा ध्यान से आप लोग समझना कि कैसे क्या यहाँ पे होगा इस चीज के बारे में। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? क्लियर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ, एग्जाम्पल चेंज करेंगे यहाँ पे बेटा। आपके पास इस क्वेश्चन में, मान लो एग्जाम्पल मैं चेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं रेंट बोलता हूँ बेटा, आपके पास रेंट 35,000 रुपीज पर मंथ है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा 1,05,000, जो कि ये ओपनिंग है। आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है बेटा, अब आपके पास प्रीपेड रेंट है। रुपीज कितना बेटा आपके पास? 70,000 रुपीज का। एक काम करो ना बेटा, यहाँ पे इसको सैलरी कर लो बेटा, और मैं आपको बोलूंगा बेटा प्लीज कॉमन सेंस लगाना बेटा। अकाउंट अकाउंट सब चीजें बाद में है बेटा। आप पहले कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाओगे तो चीज हमेशा आपके लिए काम आएगी।
फिर हम आएंगे अकाउंट पे, फिर हम आएंगे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपका कॉमन सेंस आपके साथ में चलेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले आप कॉमन सेंस के लिए प्रैक्टिस करो, फिर आपको चीज़ें आसान लगेगी। सोचो एक बार कितना अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा बेटा, और कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सबसे पहला तो मेरा बोलना है कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एक्स में जाएगा 4,20,000। क्या जवाब सभी का आया? कैसे? देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाता है, जितना अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड होता है, चाहे उसका आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्या इस बात को एग्री करते हो बेटा? तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है कि आप में 35,000 रुपीज पर मंथ का आप सैलरी है, तो साल भर की सैलरी कितनी हुई? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट मींस 4,20,000। तो चाहे इसका पेमेंट आपने किया हो या नहीं किया हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अमाउंट कहाँ जाएगा आपके पास? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये तो समझ में आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना जाएगा बेटा? आओ हम यही बात करते हैं, अकाउंट बनाते हैं नया अकाउंट बेटा, सैलरी अकाउंट। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बेटा? 4,20,000। तो ये खर्चा है या इनकम? एक्सपेंसेस, हाँ एक ही बात है, अंग्रेजी में एक्सपेंसेस बोलते हैं, हिंदी में खर्चा बोलते हैं। तो ये एक्सपेंसेस वहां डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? रिजू के पीछे नाम क्या आपका? फिर अपना ध्यान किधर है? कल से किसके ख्यालों में हो या किसकी यादों में हो? कुछ हादसा हुआ? हादसा भी होता है कभी कभी बेटा, कोई छोड़ के गया, कोई छोड़ के गई, या कोई आने वाला है या कोई आने वाली है, इस इन सब मामलों में ऐसा ध्यान कहीं और ही रहता है बेटा। बेटा आपको फिजिकली नहीं बेटा, फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों प्रेजेंट क्लास में होना है, ठीक है ना बेटा? अब एक बात बताऊं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? तो अगर वहाँ डेबिट होगा तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। तो पहली फुर्सत में सबसे पहले लिखो यहाँ पे क्या बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 4,20,000 विल बी योर क्या बेटा? आपके पास क्रेडिट। अब एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल के रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है या एसेट्स? लाइबिलिटी है या एसेट्स? लाइबिलिटी। तो बाई बैलेंस ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग। ओपनिंग है तो बाई बैलेंस बीडी। अरे बीडी आएगा कहाँ, सीडी आएगा। कितना अमाउंट बेटा? 1,05,000 रुपए प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड समझते हो? मतलब हमने अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया, एडवांस में पैसा पे कर दिया। तो ये असेट्स से लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे को असेट्स कैसे है? नहीं तो मुझे ठीक ठीक एक मिनट को आप कोई एक जना बोले, एक हर्ष क्यों सब बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलना कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर प्रीपेड सैलरी एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस है। शुभम क्यों? तो दैट्स द पॉइंट, हमें बेनिफिट लेने का उससे अभी भी राइट है। क्या बेटा हमारे पास? क्या बेटा? राइट है। तो ये राइट जो होता है, इस राइट को हम क्या मिलेगा बेटा? असेट्स। ये राइट हमें अभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलने वाला है। इस अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला नहीं है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला है। तो ये इस पीरियड का नहीं है, हमें फ्यूचर में मिलेगा। हमारे पास राइट है बेटा, इस राइट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा? असेट्स। तो मुझे बताओ असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस है तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर, अब बताएं सब्सिडी प्रॉब्लम। सर आप कैसे अकाउंट्स पढ़ाते हो, समझ में नहीं आता हमें। तो आप अभी क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हो तो भी इधर लिख रहे हो, डेबिट बोल रहे हो तो इधर लिख रहे हो। वही तो सर आपके पास है। अरे ऐसा नहीं। अब बेटा एक बार क्लोजिंग बैलेंस है तो मतलब डेबिट साइड का फिगर ज्यादा है, तो उसको टैली करने के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? क्रेडिट साइड में। बट हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या?
इस साइड का फिगर ज्यादा है तो लिखते हैं। अरे यार, तो बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग बैलेंस है? एक तरीका तो ये बोल दूं, रट लो, ओपनिंग में उल्टा लिखते हैं, ओपनिंग जैसे वैसे लिखते हैं और क्लोजिंग जैसे बोलते हैं उसको उल्टा लिखते हैं। गलत तरीका है, ध्यान समझना बेटा, क्योंकि शायद ये तरीके आपने पहले नहीं पढ़े होंगे बेटा। आपने पढ़ा है ऐड कर दो, लेस कर दो, अगर ये होगा तो उल्टा कर दो, ऐसा हो जाएगा। मैं एक ही तरीका बताऊंगा, दैट्स इट। चाहे पेमेंट निकालना हो चाहे एक्सपेंसेस करंट निकालना, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताऊं, क्या इस बैलेंस शीट में दिक्कत है क्या आपके पास? अरे बोलो ना यार, ये समझ में आपको आया? बट जैसे मैंने बोला है, दिस इज असेट्स है, प्रोसेस का डेबिट बैलेंस है, तो आपको हलचल होगी दिमाग के अंदर। सही, डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड लिखो ना, क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हो? डेबिट साइड नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में लिखूंगा, पहली बात। और क्लोजिंग बैलेंस का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये जो फिगर है इसका डेबिट साइड बहुत ज्यादा था, इस साल इस एंड ऑफ द ईयर में टैली करने के लिए इसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। अरे यार चलो इसको सिंपल समझते हैं। से एग्जांपल हमने ये बात की, अलग एग्जांपल से बात करता हूँ। आपके पास 1,00,000 रुपए का ये इधर पैसा आया है और 38,000 का पैसा यहाँ से गया, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है 62,000 रुपीज का, दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस? क्या समझ में आया? तो मैं इसको क्या लिखूं, बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी? बीडी भी लिखेंगे नहीं, सीडी लिखेंगे। यहां लिखेंगे क्या बेटा, बाय बैलेंस सीडी, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। किस साइड लिखूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो डेबिट बैलेंस तो है, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। टैली करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, सेम केस वी दे। आपके पास ये बैलेंस निकाल के ही दे दिया क्वेश्चन में, अरे हाँ है ना, क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस दे रखा है कि आपने कितना ज्यादा पैसा पे किया है, कितना डेबिट साइड का ज्यादा है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास गिवन है। तो बेटा ये हमारा क्या हुआ बेटा, आपके पास 70,000 का हमने यहाँ लिखा डेबिट बैलेंस है, इसलिए हमने इधर लिखा। समझ में आया कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्लोजिंग का या ओपनिंग का? क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग का डेबिट साइड का फिगर ज्यादा है तो इधर कम आ रहा होगा, तो मैच करने के लिए हमने इधर लिखा। क्या सभी समझ में अच्छे से आया? क्यों, ये बैलेंस लिखा ना हमने 62,000 रुपीज, इधर डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट बैलेंस, इधर डेबिट बैलेंस। क्या पॉइंट सभी को समझ में? ये जो बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाएगा तो लिखा जाएगा किस साइड में बेटा, डेबिट साइड में लिखा जाए। अब आया समझ में बेटा आपके? नहीं आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? प्लीज ये पॉइंट समझना, क्योंकि ये पॉइंट समझ में आपको आ गया तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है बेटा, एक बार ये समझ में आ गया तो काम बन जाएगा। अब मुझे बताओ क्या आपके पास कुछ ओपनिंग है, कुछ और कुछ क्लोजिंग है क्या? नहीं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर से 5,00,000 इतना पैसा हमने क्या किया होगा, पे किया होगा। तो जितना पैसा हमने पे किया ये अमाउंट कहाँ जाएगा, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। अब एक बात समझना बड़े ध्यान से, बहुत लॉजिकल बात, ये तो हमने इससे निकाल लिया, अब लॉजिकल बात करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, ये बेटा 35,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है, तो साल भर की सैलरी कितनी है बेटा, 4,00,000। इसमें से ठीक है, क्या इस साल की कोई सैलरी बाकी है क्लोजिंग? एक बात बताओ, क्या इस साल की कोई सैलरी बाकी है क्या? तो मतलब जितना इस साल का था उतना तो हमने पूरा पैसा पे किया, कोई दिक्कत? अरे यार कोई दिक्कत। प्लस क्या हमने फ्यूचर के लिए भी अभी पैसा पे कर दिया? तो फ्यूचर तभी तो प्रीपेड बना, हमने एडवांस सैलरी पे कर दी, एक्स्ट्रा सैलरी पे कर दी फ्यूचर के लिए, बोलो हाँ है ना? तो फ्यूचर के लिए हमने अभी सैलरी पे कर दी, क्या ऐसा हो सकता है? अब फ्यूचर के लिए सैलरी अगर हम अभी पे कर देंगे तो ऐसी जो पैसा आज जाएगा या कल जाएगा? आज जाएगा। कितना पैसा और गया, 420 प्लस 70 कितना होता है, 490। क्या पिछला बकाया अभी बाकी है, उसका पेमेंट हो चुका है, तो वो भी पैसा इस साल ही गया होगा या पिछले साल गया होगा? अगर पिछले साल ही दे चुके होंगे तो क्या आउटस्टैंडिंग कैसे बनता? तो बेटा कितना अमाउंट है बेटा, ये 1,05,000। तो बेटा कितना, 490 प्लस 1,05,000, 5,95,000। तो कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा।
यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं. आपके पास क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन है. सैलरी पेड 5 लाख रुपीस, बस इतना सा क्वेश्चन की नया एग्जांपल है. कॉमन सेंस लगा ना. तो क्वेश्चन ये, कितना पैसा आपने सैलरी का पे कर दिया बेटा, तो बताओ रिसीप्ट्स इन पेमेंट में कितना जाएगा, निकालेंगे या गिवन है? जितना पैसा पे किया वही तो रिसीप्ट पेमेंट में जाएगा. अब एग्जाम क्वेश्चन गिवन हो आप निकालोगे, देखना बेटा. ये समस्या भी आती है क्योंकि शिकायत निकालना जरूरी है आपके लिए. क्यों इतनी देर से क्या कंप्यूट कर रहे हैं बेटा, कितना सैलरी पे किया. अब क्वेश्चन में गिवन भी है तो कहां से निकालोगे यार? निकाल तो सकते हो पर क्यों निकालोगे? क्या जितना पैसा हम पे करते हैं उतना ही अमाउंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है? हमने कितना पैसा पे किया 5 लाख रुपीज, तो कितना पैसा जाएगा? मेरा क्वेश्चन ये, कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? 3 लाख. निकालो थोड़ा सा, आत्मचिंतन करो थोड़ा सा. आज आपके जवाब क्यों नहीं आ रहे? सर मैं बोलती हूँ तब बोलते हो, सर बोलती नहीं और बोलती बहुत, तो आज नहीं बोल रही तो बोलती बोल क्यों नहीं रही हो? तो करूँ तो करूँ क्या मैं सर ऐसा? हाँ सर, 3 लाख 25,000, इतना अमाउंट कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर? देखते हैं बेटा क्या मेरा भी इतना ही आता है, आप लोग चेक करिएगा. जो घर से मैं रट के आया वो बोलने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा? जितना अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड है, बात खत्म. चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. तो बेटा मैंने पैसा पे किया 5 लाख रुपए. बेटा बोलो मैंने कितना पैसा पे किया है? 5 लाख रुपए. इस 5 लाख रुपए में से 1,05,000 रुपए लास्ट ईयर का हमने पैसा पे किया होगा, तो इस साल का पैसा तो नहीं है. इसको ऐड करें या लेस करें? हमें सिर्फ इस साल की सैलरी चाहिए. तो 5 लाख में से 1,05,000 गया, बचा कितना? 3,95,000. और 70,000 फ्यूचर के लिए पे किया. जो फ्यूचर के लिए पे किया वो भी इसमें आया हो चुका हो क्योंकि पेड लिखा है. तो बेटा उस केस में क्या होगा बेटा? आपके पास कितना बेटा? 3,95,000 में से 70,000 को और माइनस कर दिया, 3,25,000. 3,25,000 विल बी योर, क्या बनेगा आपके पास बेटा? बोलो क्या बनेगा आपके पास बेटा? 3,25,000 रुपीज इस साल का खर्चा आपका होगा. क्या समझ में आया बेटा? अगर ये तरीका समझ में नहीं आता है, आओ हम बनाएंगे अकाउंट, अपने आप चीज निकल के सुनाएंगे बेटा. नहीं यहाँ पर मेरे को नहीं आया ना यार बेटा, मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रही, गलत जवाब ऐसा लगा, गलत है. सैलरी पे किया, इसका इफेक्ट कहाँ गया होगा? इनकम एक्सपेंडिचर रिसीव पेमेंट अकाउंट, डेबिट किया या क्रेडिट किया? फाइव लाख का जब आपने पेमेंट किया तो इसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट किया या क्रेडिट किया? क्रेडिट किया. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट. कितने रुपए से करें बेटा? 3,95,000 सैलरी आपकी लाइबिलिटी है या असेट्स? कितने रुपए का बेटा? बाय बैलेंस सीडी. क्या प्रीपेड सैलरी आपकी असेट से लाइबिलिटी? असेट से लाइबिलिटी. डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस लिखो बेटा. कितने अमाउंट से बेटा? बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? ओ टेली आंसर अपना तो इतने से लिखा है, 325 से बोला था, कुछ और बोला मैंने? बोल जवाब दो, क्या समझ में आया? ऐसा गुस्सा नहीं करते हैं बेटा. अरे नहीं सर करूंगी मैं तो सर. ऐसा क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब ध्यान समझना, ये हमने इनकम के लिए बात किया, ऐसा कुछ भी हो तो समझना बेटा. अब क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन और क्या पूछेगा देखो बेटा. बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सैलरी का अमाउंट कितना जाएगा? क्वेश्चन यही है, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट सैलरी का जाएगा?
जाएगा क्या? वो प्रीपेड सैलरी का जाएगा, कितने साल असेट साइड पे जाएगा, 70,000। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? ये चीजें आपको कुछ अब एग्जाम में कुछ तो कुछ भी पूछ लेगा, तब फंडामेंटल क्लियर होने का, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने का, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन में और बनाता हूं, देखें आप लोग बेटा। देखें आप लोग, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 1,40,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रुपीज 15,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्लोजिंग रुपीज 27,500। मेरा क्वेश्चन आपसे है, कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कितना अमाउंट रिसीव पेमेंट में जाएगा? इनकम एक्सपेंड कितना जाएगा बोलो? 1,00,000 एग्जैक्ट। अरे बोलो ना, 1,00,000, 1,52,000 फाइनली, 1,52,000। सेकेंड आंसर बोलो, निकालो बेटा। 97,500। एक आंसर और बोलू, 1,00,000। और एक आंसर और बोलू, 1,00,000। ओके आंसर है क्या? बोलो थर्ड वाला, ये बोलो सिर्फ 52 ही। हाँ हाँ बोलो बेटा, हाँ सही है क्या? ये डिसाइड मैं करूंगा या आप करोगे इस प्रोफेशनल कोर्स में बेटा? मेजोरिटी की कीमत नहीं, माइनॉरिटी की कीमत है बेटा। हाँ बोलो, नन ऑफ द अबव, कुछ आपका ओपिनियन केस में, आप जो बोलोगे उसे टिक कर दूंगा मैं। बोलो, आई नहीं रहा है तभी चुप बैठी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कितना है अबे? कॉमन सेंस, नॉट अकाउंटेंसी। चेतना 500। फर्स्ट गौरव, थर्ड रिजू, आप जो बोलोगे उस पर लॉक कर दूंगा बेटा, उसके बाद किसे पूछूं? ठीक है, लॉक कर दिया आपका फर्स्ट वाला, आपका फर्स्ट। ऐसा कैसे किया? तीनों का एवरेज कर लो, समझता बड़ा। सबसे पहले बताओ, ये इंटरेस्ट रिसीव गिवन है या पेमेंट गिवन है? ये इनकम है या एक्सपेंसेस? ये आपका एक्सपेंसेस है ही नहीं। अभी तक हम सिर्फ एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस की बात करते हैं, पेमेंट जिसका करते हैं वो आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और जो चीज आपको मिलती है वो आपके लिए क्या है? इनकम। तो बेटा आपको रिसीप्स एंड पेमेंट में तो कितना जाएगा बेटा आपके पास? 1,40,000। इसमें दिमाग लगाने का, ये सबसे टफ क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया, मुझे ये आता था इसलिए। अब आप लोग मनोभाव बोल रहे थे, मुझे जुगाड़ लगा कि मैं पहुंचूंगा अभी मैं कैसे भी करके, मेजोरिटी विंस साहब ने बोला है। अब देखना बेटा, हमें तो क्या लिखनी है? इनकम रिसीव्ड के बारे में बात करना है बेटा,
सही जवाब है बेटा 1,52,500। अभी तक निकाला नहीं, पर देख के मैंने बोल दिया है ऐसा 1,52,500। लोचा पता क्या है? आउटस्टैंडिंग का है आप लोगों का, आपका रटा हुआ है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे, ऐसा कुछ है? लेस करेंगे क्या? इनकम में तो उल्टा कर देंगे, एंसो एंसो। अब सुनो मेरी बात, अब मत देख, दिमाग लगाओ अपना, अब तो आना ही 1,52,500 बोलने के बाद तो बेटा आप लोगों का। बेटा 1,40,000 रुपए आपको पैसा मिला, मिला या पे किया? इसमें से जब मिला होगा तो बट पुराना बकाया भी इस साल मिला होगा। जब हम पेमेंट करते पुराना सबसे पहला पैसा पे करते, जब हमें मिला होगा तो पुराना हमें सबसे पहला पैसा मिला होगा। तो इसे 140 के अंदर क्या ये 15,000 रुपए है? क्या 15,000 इस साल का है, पिछले साल का है? इस साल का कितना बचा? 125। और 125 इस साल का ही मिला, और इस साल का 27,500 मिलना था पर अभी तक मिलना बाकी है। तो टोटल मिला के 125 प्लस 27,500 मिला के अमाउंट कितना आया? 1,52,500। अरे यार, और सबसे सिंपल सी बात, जब नहीं समझ में आ रहा कोई चीज ना बेटा, सबसे सिंपल तरीका क्या बेटा, आप लोग क्या करोगे? आप अकाउंट बनाओ। 100 बात की एक बात, हर चीज अपने आप इसे सॉल्व हो सकती है। दुनिया की हर चीज इसमें संभव है। देखो बेटा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये बनाया हमने इंटरेस्ट, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड में गया या पेमेंट साइड में गया? रिसीप्ट साइड डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? वहां डेबिट हुआ तो यहां पे क्या होगा? वहां डेबिट तो यहां पे क्या? कितने रुपए बेटा? 1,40,000, 1,40,000। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा है, लायबिलिटी है या एसेट्स? एसेट से या लायबिलिटी? ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो हमेशा लायबिलिटी होता है। ये इनकम है, इनकम लेना बाकी है, और लेना बाकी है तो आपकी असेट से या लाइब्रेरी है? आउटस्टैंडिंग वर्ड पे मत जाओ, नेचर पे जाओ, जो लेना बाकी है। इनकम इंटरेस्ट देना है या लेना है? असेट से या लाइब्रेरी? टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए से बेटा? 15,000। बाय बैलेंस सीडी, कितने रुपए बेटा? 27,500। कितना आया? क्या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? और ये भी कितना आ रहा है? ये आ रहा है। उससे भी कितना आ रहा था? ये आ रहा था। आया समझ बेटा? तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बस आउटस्टैंडिंग को मत पकड़ो। आप लोगों ने जिन्होंने किया ना, उन्होंने क्या सोचा आउटस्टैंडिंग के मतलब क्या करोगे? तो भी आपने कैसे, ये 1,27,500 कैसा है? मैं सोच रहा हूँ तो भी मेरा तो नहीं आ पा रहा यार। मेजोरिटी यस, कैसे है? प्लीज हेल्प मी, सपना खुद निपट लो, मैं नहीं करूंगी हेल्प। हाँ डूड, कैसा है? तो आपने क्या क्या लेस कर दिया, ऐड किया, तो भी आना चाहिए, तो भी नहीं आ रहा है। मैं तो कुछ भी कर रहा हूं तो भी नहीं आ रहा मेरे को। तो अब आपने समझ लिया ना, आप 1,27,500 खुद निकाल नहीं सकते हो। हाँ बोलो, नहीं बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोल दो बेटा, अरे बोलो बोलो बेटा, अरे बोलो 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 बोलो। तो किस बेसिस पे आपने इसको ऐड किया, लेस किया, वो बेस मुझे समझा दो, तो मैं 1,27,500 अभी सही कर दूंगा, और इन दोनों का जितना भी डिफरेंस होगा वो उसका मैं आपको कैश में रेमिट कर दूंगा। हालांकि इतने जेब में मेरे पैसे कभी होते नहीं है, पेटीएम में बैलेंस होता ही नहीं है, अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है। हाँ सही बोल रहा हूँ बेटा, मेरे अकाउंट में बैलेंस मिलेगा ही नहीं कभी आपको, कभी भी नहीं मिलेगा बेटा। घर पे छापा मारो तो घर पे पैसे नहीं है बेटा। बेटा मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, दूसरा मैं GST भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज इनकम टैक्स वाला है तो नहीं पढ़ सकता हूँ मैं, और GST है तो उनसे भी नहीं पढ़ सकता हूँ बेटा। कभी कभी सुना CA के घर पे रेट पड़ी टैक्स की? एनीवे
जो व्यक्ति टैक्स कंसल्टेंट होता है उसके यहाँ रेट नहीं पे, वो रेट पढ़वाता है बेटा। मैं आपका एड्रेस पूछा 2 दिन पहले, याद है आपको बेटा? मैं और मेरे तो कॉन्टैक्ट भी हैं बेटा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हैं, अब क्या करना है बेटा बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे कॉन्टैक्ट है, कुछ भी नहीं है, पर ऐसा बोलना चाहिए हमेशा। कभी अपने आपको बताना ही नहीं चाहिए कि अपन कमजोर हैं बेटा ऐसा। एनीवे पानी पी लो अच्छे से बेटा। आर्ट ऑफ लिविंग है। चलो हम कहाँ पे थे, कुछ नया पढ़ते आओ। क्या सभी समझ में आया बेटा आपके पास, या नहीं आया? बहुत बोरिंग सा लग रहा है ना? हाँ कोई बात नहीं, एक्सेप्ट बेटा करो बेटा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है बेटा। चलो हाँ टाइम पास करो बेटा। लाख कितना अमाउंट रिसिप्ट इन पेमेंट में, कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेटा? सबसे टफ क्वेश्चन मैं करूंगा। रिसिप्ट इन पेमेंट में जाएगा कितना बेटा? 12,70,000 बेटा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। बच्चा जुगाड़ नहीं, इतना दिया तो ऐड करूंगा, लेस करूंगा। अरे पगले, चल यहाँ दे रखा है रिसिप्ट, तो फिर क्यों जा रहा है इधर उधर फालतू में? बोल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? श्योर? तो आंसर कितना आएगा? 12,70,000। चलो निकालो इनकम एक्सपेंडिचर। सर चीटिंग है इसमें, तो आउटस्टैंडिंग भी आ गया, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, प्रीपेड भी आ गया, ये सब आ गया। क्या है सर? कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बेटा उल्टा वो लटका दूंगा बेटा, ध्यान रखना बेटा। टेन लैख अपना कितना है? ये सही जवाब है मेजोरिटी। हाँ सर, मैं चला हूँ कैलकुलेटर बेटा, आप बोल दो मैं चलाता हूँ बेटा। सर सोच रही हूँ अभी तो मैं, ऐसा है ना, बहुत मस्ती चढ़ रही है ना बेटा उनको। टेन लैख 72,000, 10,60,000। प्रिंस प्रिंस आर यू ओके? कल कहाँ गायब थे? परसों नहीं आए थे? परसों क्यों नहीं आए थे? संडे था सर, सैटरडे को आए थे, फ्राइडे नहीं आए थे, तो थर्सडे भी नहीं आए थे, तो संडे की छुट्टी मारी, तो कल पूछते ना सास, तो ट्यूसडे है सर। संडे कौन जाते हो? तो कहीं जाया तो करो कहीं, कहीं ना क्लास पे आते, ना कहीं घूमने फिरने जाते, फिर ये क्या जीवन है? मैं एक बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ बेटा, अगर आप ढिलवाई करो ना
तो जम के किया करो बेटा, मतलब मक्कारी करो ना तो अच्छे से मक्कारी किया, या मक्कारी किया ही मत करो बेटा, क्या मतलब ना इधर के ना उधर के, रंग से ऐश कर पाते हो ना पढ़ाई कर पाते हो, जो भी काम को शिद्दत से किया करो बेटा, ईमानदारी से बोल रहा हूं बेटा। मैं जब पढ़ता था तो ऐसा तो मैं 20-25 क्लास आता ही था गई, मगर 6-6 महीने बीत जाते थे बेटा, फिर अगले कहीं कोर्स चलता था वहां पर फिर फीस भरता था बेटा, 20-20 15-20 दिन वो जोश नहीं फीस भरी इस बार जाऊंगा, वापस आता ही था, फिर क्या मतलब मुझे बताओ, ना ऐश कर पा रहे हो ना पढ़ाई कर पा रहे हो, कहीं के भी नहीं रहोगे, क्या मतलब बेटा? क्या बोलो बोलो, ऐसे कैसे चलेगा, सब चलेगा यार बेटा, 21वीं सदी है बेटा, यहाँ सब चलता है। आए थे आप, छुट्टी नहीं मारता ये बेटा, छुट्टी इसको मारती है बेटा बस है। चलो कितना यहाँ बेटा, आज किस सदमे में हो यार बेटा, इस क्लास सुन सुन लगती है आपके बिना बोले बेटा, यार क्या टेंशन है, मन नहीं लग रहा है, छुट्टी कर दो आप बोलो तो कर दो, इस क्वेश्चन के बाद छुट्टी है बस, इसका आंसर 10,60,000 आएगा, बोलो हाँ या ना, फटाफट से, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो वहां डेबिट या क्रेडिट, वहां पे क्या डेबिट, तो यहां पे कितना बेटा क्रेडिट, कितना 12,70,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है या देना है, लेना है, असेट्स या लायबिलिटी, असेट्स 3,00,000 की असेट्स, 170 इधर, 190 इधर, 270 इधर, तो 1060 इधर, क्या सभी समझ में आया बेटा, बोलो सभी का आया था, क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।